सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो सीटी स्कैन मशीन है उसके आप बॉर्ड्स देखते होंगे, उसमें आपको हमेशा एक चीज दिख रही होगी 32 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस। तो ये स्लाइस क्या है? क्या स्लाइस बढ़ने से इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है? सारी चीजें डिटेल में आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आजकल सब जगह पे मार्केटिंग होता है। अब सिटी स्कैन मशीन के मार्केटिंग में हमेशा आपको एक चीज दिखेगी कि हमारे पास 64 स्लाइस वाला मशीन है, हमारे पास 128 स्लाइस वाला मशीन है, हमारे पास 16 स्लाइस वाला मशीन है, 8 स्लाइस वाला मशीन है। तो यहाँ पे ये स्लाइस क्या है? आज हम सिटी स्कैन मशीन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लस आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आज फोकस रहेगा स्लाइस पे। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे वीडियोस के साथ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आता रहता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है स्लाइस, कि ये स्लाइस है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइस बेसिकली, आप अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सिटी स्कैन मशीन है तो एक एक्सरे ही, लेकिन उसके अंदर गैंट्री और एक्सरे ट्यूब साथ में रोटेट होते रहते हैं। तो ये कंडीशन जो है उसमें अगर 8 स्लाइस वाला मशीन होगा तो पर रोटेशन वो 8 इमेज कैप्चर कर पाएगा। 16 स्लाइस वाला जो मशीन होगा वो पर रोटेशन 16 इमेजेस कलेक्ट कर पाएगा, 32 वाला 32, 64 वाला 64 एंड 128 वाला जो मशीन है वो 128 इमेजेस पर रोटेशन कलेक्ट कर पाएगा। अब मान लीजिए एक ब्रेन स्कैन करना है जिसके अंदर करने के लिए तकरीबन 1000 स्लाइस की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 इमेजेस की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपका स्कैन जो हो रहा है वो 8 स्लाइस वाले मशीन में हो रहा है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 1000, मैं यहां पे आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, 1000 डिवाइड बाय 8, तो जो मशीन की गैंट्री होगी उसे 125 टाइम्स रोटेट होना पड़ेगा आपके ब्रेन की इमेज प्रॉपर कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं वही कंडीशन 128 स्लाइस वाले मशीन में डालता हूं तो उसे सिर्फ 7.8 इन द सेंस 8 रोटेशन करने पड़ेगी। अब यहां पे 8 रोटेशन और वहां पे 125 रोटेशन, तो उसमें आपका क्या फायदा है, उसमें हॉस्पिटल का क्या फायदा है, अब उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि स्लाइस क्या है, अब बात करते हैं कि उसमें आपका फायदा क्या है। क्या आपको वो मशीन चूज करना चाहिए जिसमें स्लाइस ज्यादा है या वो मशीन जिसमें स्लाइस कम है? सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्लाइस के बढ़ने से इमेज क्वालिटी में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता है। इमेज क्वालिटी आपको वैसी ही दिखेगी, अगर वो 16 स्लाइस वाला मशीन है, वो 64 वाला है, तो इमेज क्वालिटी में कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इमेज तो सेम जनरेट हो रही है लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे जब टाइम की बात आती है तो ये जो मशीन है वो रेडिएशन वाला मशीन है, इसमें एक्सरे है जिसमें आपको रेडिएशन लगता है। मान लीजिए मैं एवरेज सेकंड काउंट कर रहा हूं कि एक रोटेशन के लिए मशीन को 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो अगर 8 स्लाइस वाला मशीन है तो उसको आपका ब्रेन स्कैन करने के लिए 125 सेकंड, तकरीबन 2 मिनट के आसपास का समय लगेगा, जबकि वहां पे 128 स्लाइस वाला मशीन आपका जो काम होगा वो सिर्फ 8 सेकंड में करेगा, रेडिएशन भी कम लगेगा वहां पे, यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा लगेगा। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको रेडिएशन थोड़ा कम लगेगा, इमेज क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं। रेडिएशन एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको कंसिडर करना है कि अगर आप वंस इन अ वाइल करवा रहे हो तो वो भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब उसके बाद का जो पैरामीटर है वो है टाइम। अब आपको मशीन के अंदर 2 मिनट बैठना है या फिर सिर्फ 10 से 15 सेकंड, तो वो भी एक क्राइटेरिया। काफी सारे लोगों को मशीन से फोबिया होता है, कुछ बंद बंद लगता है, तो उनके लिए 120 वाला ज्यादा अच्छा रह सकता है। यहाँ पे अगेन कोई भी क्वालिटी में डिफरेंस जो है वो नहीं आता है।
तो यहाँ पे स्लाइस क्या है मैंने आपको बताया, आपके एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, आपका एडवांटेज ये है कि आपको जल्दी आपकी जो स्कैनिंग प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाएगी, अगर आप ज्यादा स्लाइस वाला मशीन ले रहे हो तो रेडिएशन कम लगेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल का क्या प्रॉफिट है। अब देखिए, मान लीजिए कि हॉस्पिटल के पास 8 स्लाइस वाला मशीन है, ठीक है, तो अब अगर मैं उनकी तरफ से बात करूं कि अगर उनके पास 128 होता तो क्या डिफरेंस होता। सबसे पहले एक स्कैनिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, मान लीजिए ऐसा नहीं 2 मिनट का स्कैनिंग टाइम है लेकिन प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, पेशेंट को रिलैक्स करवाना पड़ता है, अगर कॉन्ट्रास्ट है तो वो सेट करना पड़ता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो समय होता है वो लग जाता है। तो यहाँ पे मशीन अगर 128 साइज वाला होगा तो वो जो पर पेशेंट टाइम होगा वो कम हो जाएगा, तो हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा स्कैन जो है पर आर कर पाएगा। तो ये हॉस्पिटल का एक बेनिफिट है, प्लस हॉस्पिटल का बेनिफिट ये है कि जितना कम ज्यादा साइज वाला मशीन होगा एनर्जी भी इतनी ज्यादा बचेगी क्योंकि कम समय में पेशेंट का स्कैन हो जाएगा, वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हॉस्पिटल साइज के बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे हमने आज बात की सिर्फ स्लाइस के बारे में कि सिटी स्कैन में स्लाइस क्या है, क्या स्लाइस बढ़ने से आपको कोई फायदा होता है यानी हॉस्पिटल को क्या फायदा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो अभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है, ऐसा कॉन्टेंट आपको कोई भी और चैनल पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप वीडियो देख रहे हो यहां तक देखा है तो एक लाइक जरूर से करो। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो जल्दी ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।